हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फरीदाबाद की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बदकल लेक और पार्सन टेम्पल। बदकल झील कभी एक लोकप्रिय मनोरंजक स्थान था। यहाँ पर पर्यटक बोटिंग, बर्ड वॉचिंग आदि का मजा ले सकते थे और यह एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी था, परंतु अब केवल मानसून के मौसम में यह संभव है क्योंकि यह झील अब पूरी तरह से सूख चुकी है। मानसून के समय यह बारिश के पानी से भर जाती है, तभी यहाँ पर पर्यटक आते हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में आप ऊँट की सवारी और घुड़सवारी आदि मनोरंजक गतिविधियाँ कर सकते हैं। यहाँ पर पास में ही एक पार्सन मंदिर है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। नंबर 9, टाउन पार्क। टाउन पार्क फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्थित है, जो कि एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। यह पार्क लंबे छायादार हरे पेड़ों और घास से भरा हुआ है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बड़े लॉन और झूले भी हैं। यहाँ पर आप अपने परिवार और बच्चों के साथ आरामदायक समय बिताने आ सकते हैं। नंबर 8, क्राउन प्लाजा मॉल। क्राउन प्लाजा मॉल फरीदाबाद का सबसे पुराना मॉल है। यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है, जैसे खेल, मस्ती, भोजन, मल्टीप्लेक्स, खरीदारी आदि। इस मॉल में थिएटर भी है जहाँ पर आप मूवी का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप मौज मस्ती के साथ अपना पूरा दिन आराम से व्यतीत कर सकते हैं। नंबर 7, F1 मैक्स। फरीदाबाद NCR क्षेत्र में F1 मैक्स सबसे मनोरंजक वाटर पार्क है। यहाँ पर कई तरह की वाटर स्लाइड और कई तरह के झूले भी हैं। यहाँ पर भी आप अपना पूरा दिन आराम से मौज मस्ती में बिता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। नंबर 6, अशोलावट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव राज्य की सीमा पर स्थित है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कई झीलें हैं जो कि इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में औषधीय पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इस सेंचुरी में लगभग 80 से भी अधिक तितलियों की प्रजातियाँ देख सकते हैं। नंबर 5, श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल। साईं बाबा मंदिर को बड़ी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है। यह मंदिर सफ़ेद, हरे और पीले रंग के संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर में 5.25 फीट ऊंची संगमरमर की साईं बाबा की मूर्ति भी है। यहाँ पर प्रत्येक गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है। नंबर 4, बाबा फरीद टॉम। बाबा फरीद 12वीं शताब्दी के एक सूफी संत थे और फरीदाबाद शहर का नाम इनके नाम पर ही पड़ा था। यहाँ दो कब्रें हैं, एक सूफी संत की और दूसरी उनके बड़े बेटे की। तीर्थयात्री इस धार्मिक स्थल पर आते हैं और कब्रों पर चादर और फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ पर महिलाओं का आना मना है। यहाँ पर हर गुरुवार को कब्बाली संगीत कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़भाड़ देखी जा सकती है। नंबर 3, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल को श्री राधा गोविंद मंदिर भी कहा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण और देवी राधा को समर्पित है। इस मंदिर में जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार है, जो कि मंदिर को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। मंदिर परिसर के भीतर कैफेटेरिया में आप स्वादिष्ट शाकाहारी स्नैक्स भी खा सकते हैं। नंबर 2, राजा नाहर सिंह पैलेस। राजा नाहर सिंह पैलेस को बल्लभगढ़ फोर्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। महल का निर्माण 1850 के आसपास किया गया था। इस किले को अब 6 सुंदर कमरों, रेस्टोरेंट आदि में बदल दिया गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है और साथ ही यहाँ पर शादियों, प्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। और अब नंबर 1 पर है सूरज कुंड। सूरज कुंड फरीदाबाद में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह 10वीं शताब्दी का एक जलाशय है। इस जलाशय के पास सूर्य मंदिर भी है, जो अब खंडर बन चुका है, पर फिर भी यह खंडर पर्यटकों के द्वारा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पर फरवरी के महीने में एक विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे सूरज कुंड मेला कहा जाता है, और इसे देखने के लिए यहाँ पर अनेकों पर्यटक आते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टूरिज्म प्लेसेस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।